Hi everyone, this is Muhammad Wakar and I'm back with another programming tutorial on Java object-oriented programming. इस tutorial में हम access specifiers के बारे में पढ़ने लगे हैं. Access specifiers के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले packages का knowledge होना चाहिए कि packages क्या होते हैं. तो Java language आपको एक functionality provide करती है कि आप अपना जो code है, आप अपना program जो है, वो आप different packages में divide कर सकते हैं और हर package के अंदर बहुत सी similar classes हम रख सकते हैं. For example, आपको एक बहुत बड़ा project मिला है, आप उसके अंदर बहुत सारी classes आप बनाएंगे, तो आप जो भी similar classes होंगी उसके अंदर उसको आप एक package के अंदर रखेंगे और इसी तरह ही आप different मतलब मल्टीपल पैकेजेस बनाते रहेंगे और उसमें सिमिलर क्लासेस रखते रहेंगे. तो इन सिंपल वर्ड्स, पैकेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस. इससे आपका प्रोग्राम जो है डिवाइड हो जाता है टुकड़ों में और आपका प्रोग्राम इजी हो जाता है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पैकेजेस का. अब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरफ वापस आते हैं. एक्सेस स्पेसिफायर्स बेसिकली हमें बताते हैं कि हमारा जो आगे वेरिएबल या जो फंक्शन है वो हम अपने कोड में कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इधर हमारी एक टेस्ट नाम की एक क्लास है, इधर हमारा ट्यूटोरियल नाम का एक पैकेज है और इसी ट्यूटोरियल के नाम के पैकेज के अंदर ही एक और हमारी मेन क्लास है और उसके अंदर मेन फंक्शन है. एक्सेस स्पेसिफायर्स तीन टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. अब हम इस अपनी टेस्ट नाम की क्लास के अंदर तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ वेरिएबल्स बनाएंगे और देखेंगे कि उन्हें हम कहां कहां से एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पब्लिक की तरफ आते हैं. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ वेरिएबल बनाने के लिए हम पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे और उसके आगे डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज 1 इज इक्वल टू 10. इसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर दी है. तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये है कि हमने जो इसके आगे वेरिएबल बनाया है उसको हम अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कोई और पैकेज क्यों ना हो. ओबियसली डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, टोटल जितने भी पैकेजेस होते हैं ओबियसली वो एक ही प्रोग्राम का हिस्सा ही होते हैं. तो हम अपने जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का जो वेरिएबल होता है उसको हम कहीं से भी अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हम अपनी इस मेन क्लास के अंदर से एक्सेस करें, चाहे कोई डिफरेंट पैकेजेस से एक्सेस करें. पैकेज किस तरह बनाते हैं वो आपको मैं अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा. अभी तक के लिए आप सिर्फ इतना जहन में रखें कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से हम अपने वेरिएबल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो अब हम अपने इस H1 वेरिएबल को इस मेन क्लास से एक्सेस करके देखेंगे. इसके लिए मैंने अपनी टेस्ट क्लास की एक पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है OBJ के नाम से. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ पहले, वो मेरी पिछली वीडियो आप देखें, आपको समझ आ जाएगी. अब हमने system.out.println किया है, OBJ ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने उस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है. वेरिएबल का नाम क्या था, H1, तो हम इधर H1 लिखेंगे. तो ये देखें, हमें इधर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा जावा, इसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है. इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें 10 विदाउट एनी एरर हमें अपना रिजल्ट मिल गया. तो ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का. अब हम प्राइवेट की तरफ आते हैं. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमें बताता है कि हम अपना जो वेरिएबल बनाने लगे हैं उसको हम सिर्फ उसी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर वो वेरिएबल बनाया गया है. फॉर एग्जांपल, हम इस टेस्ट क्लास के अंदर अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट वेरिएबल इंट H2 के नाम से. इसको हम 20 वैल्यू असाइन कर रहे हैं. अब हम इस H2 के वेरिएबल को इस क्लास के अंदर से तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास के बाहर से या किसी दूसरे पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते. ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. H2 नाम रखा था हमने, तो इधर H2 कर दिया. तो ये देखें, एरर शो कर रहा है हमें कि H2 हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन टेस्ट. लेकिन अगर हम इसको इसी क्लास के अंदर से एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें ये कोई एरर शो नहीं करेगा,
जैसे कि ये देखें, इस लाइन में हमें कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। इस शो एज फंक्शन को आप अभी इग्नोर करें, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट वेरिएबल का। इसको हम अगर अपनी किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरे पैकेज से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम गेटर कहते हैं। वो हम अपनी अगली वीडियोस में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की तरफ। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो आगे वेरिएबल या जो फंक्शन है उसको हम अपने इस पैकेज के अंदर रहते हुए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपना प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का एक वेरिएबल बनाते हैं, और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल बनाने के लिए हमें कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, हम सीधा एक्सेस स्पेसिफायर के बगैर ही इंट एज 3 लिख देंगे। इसको हम 30 वैल्यू साइन कर देंगे। ये देखें, इसमें हमने अब कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। तो अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो जावा ऑटोमेटिकली इसको प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर असाइन कर देगा। अब हम इस एज 3 वेरिएबल को अपने इस ट्यूटोरियल पैकेज के अंदर रहते हुए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सेस करके देखेंगे अपनी मेन क्लास से। इधर एज 3 कर देंगे, कोई एरर इधर शो नहीं कर रहा। इसको हम अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे, 30 विदाउट एनी एरर हमें अपना रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर हम अपना एक कोई न्यू पैकेज बनाते हैं, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, आगे जब अपनी अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर हम अपना कोई एक और पैकेज बनाते हैं उसके अंदर से हम इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को नहीं एक्सेस कर सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एवरीवन। सो बेस्ट ऑफ लक। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑन डेली बेसिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन टू यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।